ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो का पैगाम आपको वक्त पर आसानी से मिलता रहे। नाजरीन ग्रामी, बेलारूस का मुकम्मल और सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ बेलारूस है। 2,07,595 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ ये दुनिया का 84वां और यूरोप का 13वां बड़ा मुल्क है, जो सतह समंदर से 525 फीट की बुलंदी पर वाके है। अगर महल्ले वकूक की बात करें तो बेलारूस के मशरक और शुमाल मशरक में रूस, जनूब में यूक्रेन, मगरब में पोलैंड और शुमाल मगरब में लिथुआनिया और लेटविया की सरहद वाके है। बेलारूस के 1.4% रकबे पर पानी मौजूद है। 2021 की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस की टोटल पॉपुलेशन 93,49,645 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ पर 45 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर में आबाद हैं। मनसक मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। मनसक का टोटल एरिया 348.8 स्क्वायर किलोमीटर है। ये शहर सतह समंदर से 920 फीट की बुलंदी पर वाके है। बेलारूस के कैपिटल सिटी में मुल्क की लगभग 20 लाख अफराद की आबादी रहायश पजीर है। दोस्तों, बेलारूस यूरोप के खूबसूरत ममालिक में से एक है। बेलारूस का मतलब है वाइट रशिया। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 96वें और यूरोप का 20वां बड़ा मुल्क शुमार होता है। बेलारूस ने 25 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की थी। इस मुल्क को रशिया का सबसे बेहतरीन दोस्त माना जाता है। बेलारूस की सरकारी जुबान बेलारूशियन और रशियन है। इसके अलावा यहाँ पर पोलिश, यूक्रेनी और यदस जुबान बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाने वाली जुबानें हैं। बेलारूस यूरोप के छोटे ममालिक की लिस्ट में आता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर बेरोजगारी की शरह ना होने के बराबर है, यानी यहाँ पर बेरोजगारी की शरह 1% से भी कम है और इसकी बुनियादी वजह यहाँ की तालीम है। बेलारूस की शरह खानदगी 94.4% है, यानी इस मुल्क के लोग पढ़े लिखे होने के साथ साथ अमीर भी हैं और हर किसी के पास जॉब भी मौजूद है। बेलारूस यूरोप के फेमस कंट्रीज में से एक है। बेलारूस की 84.9% आबादी बेलारूसियन है। 7.5% के साथ रशियन मुल्क का दूसरा बड़ा नस्ली गिरोह है। 3.1% पोलस, 1.7% यूक्रेनी और बाकी आबादी दीगर छोटे छोटे नस्ली गिरोहों से ताल्लुक रखती है। मुल्क का सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियन है, जिसे मुल्क की 55.4% आबादी मानती और पैरवी करती है। 41.1% ऐसे लोग हैं जो किसी भी मजहबी अकीदे को नहीं मानते। बेलारूस पाकिस्तान से 4,195 किलोमीटर की दूरी पर वाके है। इंडिया और बेलारूस के दरमियान 5,644 किलोमीटर का फासला मौजूद है, जबकि बांग्लादेश और बेलारूस के बीच 6,102 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है। बेलारूस में इस्तेमाल होने वाली करेंसी बेलारूसियन रोबल है। 2.56 बेलारूसियन रोबल 1 US डॉलर के बराबर हैं, जबकि पाकिस्तान में 1 बेलारूसियन रोबल 68.91 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। इंडियन करेंसी में 1 बेलारूसियन रोबल 28.99 भारतीय रुपयों के बराबर है। बेलारूस की जीडीपी वर्ल्ड की 69वीं बड़ी जीडीपी शुमार होती है। 2020 के अदादो शुमार के मुताबिक बेलारूस की टोटल जीडीपी 185.899 बिलियन US डॉलर है, जबकि यहां पर फीकस जीडीपी 19,758 US डॉलर है। इस मुल्क की ज्यादातर आबादी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। बेलारूस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसी मुल्क में बनाई गई हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा डंपर ट्रक भी इसी मुल्क में बनाया गया है। ये ट्रक जसामत के हिसाब से किसी 2 मंजिला घर की मानद है। इस ट्रक का नाम बिलास 75710 है और इस ट्रक को बेलारूस की बिलास कंपनी ने बनाया है।
ये ट्रक 500 टन का वजन उठा सकता है। दोस्तों, बेलारूस रकबे के लिहाज से एक छोटा मुल्क है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि यहाँ पर 20,800 नदियाँ और छोटे दरिया बहते हैं। इनमें से सिर्फ 9 दरिया ऐसे हैं जिनकी लंबाई 500 किलोमीटर के करीब है। बेलारूस का सबसे ऊंचा मकाम द होली माउंट है, जिसकी सतह समंदर से बुलंदी 1,036 फीट है। बेलारूस में यूरोप के दीगर मुमालिक की तरह 25 दिसंबर और 7 जनवरी को क्रिसमस डे मनाया जाता है, और इन दोनों दिनों में पूरे मुल्क में छुट्टी होती है। मुल्क के अंदर 1,000 के करीब चर्च मौजूद हैं। इस मुल्क में आईटी की बेशुमार कंपनियां काम कर रही हैं। कंप्यूटर की फेमस गेम वर्ल्ड ऑफ टैंक्स भी बेलारूसी कंपनी ने बनाई है। बेलारूस यूरोप के साफ सुथरे मुमालिक में से एक है। यहाँ ढूंढने से भी आपको कचरा नहीं मिलेगा। यहाँ पर बड़े शहर से लेकर छोटे शहर तक सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। बेलारूस अपने आलू की काश्त की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। यहाँ पर 300 अकसाम के आलू की काश्त की जाती है, जिनमें नीले रंग के आलू भी शामिल हैं। इस मुल्क के लिए आलू इसलिए भी ज्यादा अहम है कि यहाँ का आलू से बना पैनकेक इसकी सकाफत का हिस्सा है। बेलारूस के लोग दुनिया के किसी भी मुल्क के लोगों की निस्बत सबसे ज्यादा आलू खाते हैं। यहाँ पर आलू की 100 से ज्यादा डिशेस बनाई जाती हैं। बेलारूस के लगभग 45% हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं। यहाँ पर जंगल ज्यादा होने की वजह से इसे यूरोप का फेफड़ा भी कहा जाता है। इस मुल्क के बेलोवेजा जंगल को यूरोप का आखिरी जंगल माना जाता है। बेलारूस का ये जंगल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया जा चुका है। बेलारूस का कौमी जानवर बाइसन है। जानवरों की ये नस्ल दुनिया में सबसे ज्यादा इसी मुल्क में ही पाई जाती है। मुल्क का कौमी परिंदा वाइट स्टॉर्क है। कौमी फूल कॉमन फ्लैक्स और कौमी फल पीका मैकोला है। बेलारूस के लोगों को बहुत ज्यादा मेहमान नवाज माना जाता है। यहाँ पर मेहमानों को खाने के बाद ब्लैक कॉफी पेश करने का रिवाज कई दहाइयों से चला आ रहा है। कहा जाता है कि कॉफी और चाय यहाँ के लोगों के खून में शामिल है। बेलारूस में एक नमक से बनाया गया पहाड़ भी मौजूद है, जिसे द साल्ट ट्रैक माउंट कहा जाता है। इस पहाड़ को 1950 में बनाया गया था। बेलारूस एक तरक्की पजीर मुल्क है, जो इंसानी तरक्की की इंडेक्स में 53वें नंबर पर गिना जाता है। ये मुल्क अक्वामे मुतहिदा का रुकन है, लेकिन इसने यूरोपीय यूनियन में ना तो शमूलियत अख्तियार की है और ना ही इसकी ख्वाहिश का इजहार किया है। बेलारूस 600 किलोमीटर मशरक से मगरब में लंबा और 560 किलोमीटर शुमाल से जनूब चौड़ाई पर मुश्तमिल है। बेलारूस मौसमी एतबार से ठंडी आबोहवा रखने वाला मुल्क है। यहाँ का सालाना औसत दर्जा हरारत 18 सेल्सियस है। मुल्क में बारिश की औसतन सालाना शरा 550 से 700 मिलीमीटर है। बेलारूस के कुदरती वसायल में तेल और गैस के साथ साथ ग्रेनाइट और डोलोमाइट, चाक, रेत, बजरी और सीमेंट पत्थर भी शामिल है। बेलारूस की 34.7% आबादी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करती है। मुल्क के 39.3% अमीर लोग सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों में जॉब करते हैं। बेलारूस की 69.9% आबादी की उम्र 14 साल से 64 साल है, और सिर्फ 15% लोग ही ऐसे हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है। मुल्क में औरतों की निस्बत मर्दों की तादाद कम है। यहाँ पर जिंदगी की औसत शराब 72.15 साल रिकॉर्ड की गई है। बेलारूस का खाना बुनियादी तौर पर रोटी, सब्जियों और सुअर के गोश्त पर मबनी है। मुल्क में सबसे ज्यादा गंदम और राई की रोटी बनाई जाती है। फुटबॉल मुल्क का सबसे मकबूल और ज्यादा खेले जाने वाला खेल है। दीगर खेलों में आइस हॉकी, साइकिलिंग, टेनिस और जिमनास्टिक जैसे खेल पसंद किए जाते हैं। बेलारूस वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट
और बांग्लादेश से 3 घंटे पीछे है। बेलारूस में ड्राइविंग राइट साइड की जाती है। मोल्का काले कोड +375 और डोमेन नेम .by है। बेलारूस में बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल कंपनियां हैं जिनमें 80% इसी मुल्क के लोग काम करते हैं। बेलारूस की नेशनल बिल्डिंग को कई मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इस बिल्डिंग को द डायमंड ऑफ नॉलेज लाइब्रेरी कहा जाता है। 23 मंजिला इस इमारत को 1922 में बनाया गया था और 1926 में इसे नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया था। आज इस लाइब्रेरी में 10 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। बेलारूस में क्राइम रेट भी बहुत कम है। लोग रात को देर तक घर से बाहर रहने के आदि हैं और बिला खौफ कहीं भी आते जाते हैं। इस मुल्क में मंशियात का इस्तेमाल सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपको ये मुल्क कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे